देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 23 अगस्त 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 15 नए मामले, कोई भी मौत नहीं, 17 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 182 है। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 561 नए मामले सामने आए हैं, 686 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 8 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 9461 हैं। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 41 नए कोविड-19 के मामले, 46 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की है, सक्रिय मामले 488 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 16 नए कोरोना के मामले, 14 रिकवरी और 1 मौत दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 676 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 231 नए मामले सामने आए हैं, 453 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 6384 हैं। नंबर 6, आसाम में आज 336 नए कोरोना के मामले, 539 डिस्चार्ज और 10 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामलों की संख्या 6664 है। नंबर 7, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1189 नए मामले सामने आए हैं और 1456 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान 22 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, कुल सक्रिय मामले 20556 हैं। नंबर 8, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं और 16 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 317 है। नंबर 9, तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 1630 नए मामले सामने आए हैं, 1827 लोग ठीक हुए हैं और 23 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामलों की संख्या 19171 है। नंबर 10, पांडिचेरी में आज 60 नए कोरोना के मामले, कोई भी मौत नहीं और 121 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामलों की संख्या 847 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 91 लोग ठीक हुए हैं और 1 मौत हुई है, सक्रिय मामले 899 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1085 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1541 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और 8 लोगों की मौत हुई है, सक्रिय मामले 13723 हैं। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 20 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 152 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10402 नए मामले सामने आए हैं, 25586 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान 66 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 163212 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5 नए कोरोना संक्रमण के मामले, कोई भी मौत नहीं, 6 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 86 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 35 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, 13 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामले 236 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 114 नए मामले सामने आए हैं और 310 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, सक्रिय मामलों की संख्या 2074 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 285 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 426 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 3994 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 20 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 26 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 140 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 853 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1078 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 69 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 8224 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 109 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 145 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 1249 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4141 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 4780 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 145 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 53182 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए हैं और 23 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, सक्रिय मामलों की संख्या 373 हो गई है, कल कोविड से किसी की भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 24 नए मामले सामने आए हैं, 56 रिकवरी हुई है, कोरोना में से 1 मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामले 398 रह गए हैं। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 125 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 217 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 की मृत्यु दर्ज की गई है और सक्रिय मामले 1470 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 48 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 75 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 931 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 107 नए कोरोना के मामले, 100 रिकवरी और 1 मौत दर्ज की गई है, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1165 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 317 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 382 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 9 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 3062 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 576 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 872 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 5694 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।